नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कन्या राशि वालों, दोस्तों 5 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर का समय भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में आपको जो खुशखबरियां मिलने वाली है, जो आपके इच्छाएं पूरी होने वाली है, सुनकर आपके दिमाग की बत्ती भी गुल हो जाएंगे। जी दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि यह समयावधि में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल में बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। घरों की भी बहुत ही शुभ तिथि बनने वाली है और जहाँ भोलेनाथ का आशीर्वाद हो वह समय घर अशुभ भी शुभ तिथि में होते हैं। जी दोस्तों, यश में आपको चारों तरफ से चौतरफा धन प्राप्त होने वाले हैं। आपको बता दें कि दोस्तों, यश में जो खुशखबरी आपको मिलने वाली है, जो सपने आपके सच होने वाले हैं दोस्तों, इन्हें जानकर आपके भी खुशी के आंसू निकलेंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यह आंसू भी आपके लिए जायज है, क्यों दोस्तों, पिछले समय की जो आपकी मेहनत है और पिछले समय की जो आपकी परेशान है आपके काम के प्रति, यश में वो आपको मिलने वाले हैं उनका फल। जी हाँ दोस्तों, और भगवान भोलेनाथ का जो आशीर्वाद यश में आपके जीवन काल में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, वाकई ही आपका पूरा जीवन को बदल कर रख देने वाले होंगे। जी दोस्तों, इसलिए दोस्तों यश में आपको जीवन काल में आपको कौन कौन सी खुशखबरियाँ मिलने वाली है, कौन कौन से आपके सपने सच होने वाले हैं दोस्तों, जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जी दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में आपको किन क्षेत्रों को भी लेकर सावधान नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में तो बहुत ही अच्छे समय हैं, लेकिन कुछ सावधानियों को अगर आप रख लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन काल में कोई भी परेशानियां नहीं आएंगी। जी दोस्तों, साथ ही जानेंगे यश में आपके घर के माहौल में पारिजन में क्या क्या सुधार होंगे, कौन कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से सच्चे श्रद्धा भाव से जय भोलेनाथ लिखेगा, गुरु जी का और भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो मित्रों जरूर लिखिएगा, और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में परिस्थितियाँ अति अनुकूल है, कार्य आसानी से संपन्न होंगे, आपका अधिकतर ध्यान स्वयं के ऊपर ही केंद्रित रहेगा, अपने भावी लक्ष्यों के प्रति मेहनत तथा सुनियोजित ढंग से कार्य करने से काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। घर में किसी नज़दीकी मेहमानों के आने से भी खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में बाहरी लोगों के साथ मिलते जुलते आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, कुछ लोग स्वार्थ की भावना से आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात का ध्यान दें। अत्यधिक क्रोध करने की स्थिति से बचें, विद्यार्थी का ध्यान जो है पढ़ाई से भटक सकता है, तो दोस्तों यश में आप फालतू गतिविधियों में ध्यान न लगाएं और अपने पढ़ाई पर ध्यान को केंद्रित रखें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें, आपको काम वक्त पर पूरा करने की कोशिश करनी होगी, अचानक से नए कामों की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर बनी रहने की वजह से आपकी भागदौड़ी भी हो सकती है, लेकिन सभी काम आपके पूरे होने वाले हैं। विचारों में सरलता और एकलता आने की वजह से आपके द्वारा हुए सभी निर्णय उचित ही साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों पारिवारिक तथा सामाजिक स्तर पर आपका वर्चस्व भी यश में बढ़ने वाले हैं, आपके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आएंगी, पेशा आने के साथ साथ वह की भी स्थिति बनी रहेगी, परंतु आर्थिक स्थिति यश में संतुलित रहेगी। कुछ नज़दीकी लोगों के साथ पारिवारिक गेट टुगेदर भी हो सकती है। साथ ही दोस्तों आर्थिक निवेश संबंधी बातों पर दोबारा विचार अवश्य करें, दिन की शुरुआत में ही कुछ तनाव की स्थिति रह सकती है, भाइयों के साथ मतभेद की आशंका भी बन रही है, ज़्यादा दिखावे की प्रवृत्ति से बचें तथा अपने क्रोध पर यश में नियंत्रण रखें, ये आपके यश में के लिए बेहतर होंगे, तो इस पर जरूर गौर करें। और दोस्तों यश में पेशे के मामले में जो दिन है आपके लिए बहुत ही विशेष और लाभदायक साबित होगा, पैसे के संबंधित चिंता आपकी यश में कम होने लगेंगी, जिसकी वजह से व्यक्तिगत प्रगति की तरफ आपका यश में ध्यान हो सकता है, इनमें आप ध्यान दे सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें, यश में परिवार के कुछ व्यक्तियों के साथ आपकी नाराजगी भी बनी रहेगी, फिर भी संवाद बनाए रखने की कोशिश करते रहें। और इसके उपरांत दोस्तों यश समय आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी विनम्र और मधुर स्वभाव की वजह से लोकप्रियता आपकी बनी रहेगी, कुछ पुराने मतभेदों का भी निवारण यश में हो सकता है,
बशर्ते आपको कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों कोशिश जरूर करें। संतान संबंधी किसी समस्या का हल भी इसमें मिलेगा, जिनसे उन्हें सुकून भी मिलेगा और भाइयों के साथ किसी परेशानी में उनकी मदद करने से आपको आत्मिक सुख की भी प्राप्ति होगी। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें सपनों की दुनिया में न रहें, इनसे बाहर आएँ और हकीकत को समझ कर कार्य करें। जी हाँ दोस्तों, ये इसमें आपके लिए बेहतर साबित होंगी। आपके कुछ निर्णय भी इसमें गलत साबित हो सकते हैं, इसका ध्यान रखें। कुछ समय आत्ममंथन या फिर आत्मचिंतन व फिर मनन करने की कोशिश करें, मनन करने में समय लगाएं, ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि आपको अपनी अपेक्षा के अनुसार सफलता भी प्राप्त होगी, लेकिन वक्त पर न मिलने की वजह से पूरी मन की चंचलता बनी रह सकती है। आपको बता दें कि दोस्तों आपको संयम बढ़ाने की अत्यधिक आवश्यकता होगी, इनमें ध्यान देने की अत्यधिक आवश्यकता होगी। भाई या फिर बहन के साथ हो रहे विवादों के कारण मानसिक तकलीफ का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो संबंध फिर से बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपकी लगन और हिम्मत द्वारा कोई अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना बन रही है या फिर लाभ मिलने वाली है। तो दोस्तों कोशिश करते रहें, प्रयास करते रहें। कोई पुष्यनेति जमीन ज्यादा संबंधी कार्य रुका हुआ है, तो दोस्तों यश में उनका हल मिलने की उम्मीद है। आपकी अपने काम के प्रति समर्पण की भावना आपके लिए नए मार्ग यश में खोलने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में कोई पुरानी नकारात्मक बातें हावी होने से आपके अंदर आत्मा बल में कुछ कमी आ सकती है। आपको बता दें कि अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान स्वयं रखें, किसी अन्य पर विश्वास करना आपके लिए इसमें हानिकारक रहेगा। कोशिश करके अपने काम स्वयं ही निपटाने का प्रयास करें। दोस्तों यश में आपके लिए बेहतर साबित होंगे, तो बिल्कुल भी लापरवाही यश में ना करें। और यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि सेहत से संबंधित बातों में अधिक जागरूकता दिखाने की आवश्यकता होगी। पुरानी बीमारी फिर से तकलीफ दे सकती है, इसलिए दोस्तों अपने खान पान में बड़ा बदलाव लाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। चाहकर भी आप कुछ बातों को अपने पक्ष में नहीं कर पाने की वजह से आपके ऊपर तनाव भी यश में बढ़ सकता है, लेकिन दोस्तों यश में आपको धैर्य और संयम का दामन थामते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे आपके जीवन में कई प्रकार की खुशियों की प्राप्ति होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में व्यवसाय में नए अनुबंध आपको मिलने वाले हैं। समय का भरपूर सदुपयोग करें। यश में पब्लिक डीलिंग से संबंधित कार्यों पर अधिक ध्यान दें, परंतु ध्यान रखें कि कोई गोपनीय बात भी उजागर हो सकती है। पार्टनरशिप कार्यों के लिए समय यश में अनुकूल है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें यश में व्यावसायिक कार्यों में मेहनत ज़्यादा और लाभ कम की स्थिति भी रह सकती है। अगर कोई नया काम आरंभ किया है तो परेशान होने के बजाय धैर्य और संयम बनाकर रखें, धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। किसी वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर आप अवश्य अमल करें, ये आपके लिए यशोमय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि अपने कार्य करने की प्रणाली में थोड़ा बदलाव लाएं, आपको अपने मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे। नौकरी पेशा लोग अपने कार्यों के प्रति ज़्यादा सजग रहें, कोई गलती होने से इंक्वायरी बैठने की आशंका भी लग रही है। बेहतर होगा कि दूसरों पर अधिक विश्वास ना करें और अपने कार्यों पर स्वयं ही ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें व्यवसाय में अपने कामों को लेकर चिंता रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद लाभदायक परिस्थितियां बन रही है। भूमि संबंधी कार्यों में अच्छा लाभ होने की उम्मीद बन रही है। नौकरी पेशा अथवा व्यवसाय में किसी प्रकार का पेपर संबंधी गड़बड़ी होने में दिक्कत आ सकती है, तो इनसे सावधान रहें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में घर का माहौल शांतिपूर्ण और खुशनुमा बना रहेगा। पति पत्नी के बीच किसी मामूली सी बात को लेकर कभी कभी नोक झोंक भी हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, पारिवारिक सदस्यों के साथ खरीदारी संबंधी प्रोग्राम भी यश में बनेंगे। एक साथ सभी के साथ उचित समय बिताने से सभी को खुशी महसूस होगी। और इसके साथ दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके प्रेम संबंध के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों प्रेम संबंधों में आपसी सामंजस्य की कमी भी रहेगी, जिसकी वजह से दूरियां तो आ सकती है। किसी मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें, ये आपके लव लाइफ के लिए और प्रेम संबंध के लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके प्रेम संबंधों के लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा। युवा वर्ग व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय नष्ट ना करके अपने काम पर ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे।
और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपकी सेहत की, तो दोस्तों यश में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की थकान हावी रह सकती है। तो समय समय पर आप आराम जरूर करें, आराम लेना आपके लिए यश में अति आवश्यक होंगे, तो इन पर जरूर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में नजला जुकाम जैसी परेशानी भी रह सकती है, सर्दी से अपना बचाव रखें तथा व्यवस्थित खान पान लें। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें महत्वपूर्ण साबित होंगे। और दोस्तों अगर आप शादी को रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, परंतु समय समय पर महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की भी जरूरत होगी। तो दोस्तों इन चीज़ों पर ध्यान दें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे।